प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पापा ये भी तोड़ के दीजिए ना। अला उसमें क्या है ला? कैसा अखरोट है? सुपर सुपर डब। बाबू ने टप्पू ने उल्लू बनाया। ये अखरोट की जगह पे सुपारी थी तोड़ने के लिए। मैं तोड़ने गया तो मेरा दांत हिल गया बाबू जी। ये डफोड़, तेरी आंखें है या बटन है? अखरोट और सुपारी में फर्क भी नहीं समझ में आता तुझे? अरे बापू जी, इसने मुझे ऐसे अखरोट के छिलके में देखो, ऐसे सुपारी ऐसे छुपा के ऐसे दी, पता कैसे चलता मुझे। टपो। अरे दादाजी, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि पापा के दांत सचमुच में ऐसे लोखंडी है, कैसे फेंक रहे थे। टपो, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी दादाजी। बहुत दर्द हो रहा है। बहू, जल्दी से एक काम कर, लवंग और फटकड़ी का भूखा लाकर जेठा के दांतों में दबा दे, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ जी, पर बापूजी उसके पहले डॉक्टर हाथी भाई को फोन कर दूं? अरे बापूजी बोल रहे उतना करना बेटा। मेरे दांत में दर्द, मेरे दांत में। ये भगवान, ये तुमने क्या किया? अरे मैं दया बापूजी टप्पू के ऊपर तो गर्व नहीं कर सकता, एक मुझे अपना दांत पे गर्व था, वो भी तुमसे देखा नहीं गया। जेठालाल कहाँ हो? यहाँ हो। अरे क्या हाल है भाई? मैं बैंगलोर से अभी आया, तो मैंने कहा सबसे पहले जेठालाल से मिलूंगा, दोस्त से मिलने की इच्छा जो होती है। हाँ, अंजलि बता रही थी कि महावीर जयंती का प्रोग्राम बड़ा जोरदार रहा है भाई। हाँ, कैसे नहीं होगा, तुमने जो अरेंज किया था। अच्छा हाँ, ये भी बताया कि पीछे कोई चेकअप कैंप हुआ था दांत वगैरह का। हाँ हाँ, और पता चला कि तुम्हारे दांत सबसे बढ़िया है, पता ही हो भाई सोसाइटी में सबसे बढ़िया दांत की। अरे अरे आ चुका हूँ ना भाभी। लीजिए ये लौंग का तेल लगा दीजिए। लौंग का तेल? क्यों भाई, लौंग के तेल की क्या जरूरत पड़ गई जेठालाल जी? हुआ यू, इधर मेरे दांत में दर्द हो रहा है, आपको हंसी आ रही है मेहता साहब। सॉरी भाई, लेकिन कहानी बड़ी जोरदार थी। अरे हंसना बंद कीजिए, कुछ इलाज बताइए। अरे मैं क्या इलाज बताऊं, अब डॉक्टर हाथी को फोन करते थे, वो कोई इलाज बताएंगे अभी। हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था। अरे क्या बोला था? अरे डॉक्टर हाथी को पता चलेगा तो फिर पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा मेहता साहब, और फिर सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। मेहता साहब आप तो लेखक, कुछ इलाज बताइए ना। अरे लेखक हूँ, जादूगर नहीं हूँ कि छड़ी घुमाई और दर्द गायब। अरे डॉक्टर है, डॉक्टर का काम तो डॉक्टर करेगा। डॉक्टर हाथी से बात कीजिए भाभी, मैं लगाता हूँ। नहीं है। हेलो हाथी भाई।
कौन? बताइए मैं कौन हूँ? मैं आपकी सोसाइटी में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा, भारती बहन? नहीं, मैं वो हूँ जिसके पति के साथ सब लड़ते रहते हैं। माधवी भाभी। अरे नहीं, अभी तक नहीं पहचाना। अरे टप्पू के पापा को तो मैं सिर्फ हाँ इतना बोलती हूँ ना, तो भी पहचान लेते हैं। दया भाभी। सही पहचाना। दया, अभी आवाज पहचानने का खेल बंद कर, इधर ला, इधर ला। हेलो आती भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। वो बापूजी के दांत में दर्द है, तो उसके लिए दवाई होगी आपके पास? मैं अभी गोली के हाथ से दवा भिजवाता हूँ। ठीक है चलेगा। हाँ। अरे ये क्या, आप झूठ बोले, मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? और सुंदर को तो झूठ बोलने वाले लोग पसंद ही नहीं है। अरे तू चुप रहेगी, अभी इधर दांत में दर्द आ रहा है, तू बोलती है तो और दर्द बढ़ रहा है। अरे जेठालाल एक मेरी बात सुनो, अभी ये दवाई आ जाए वो ठीक है, लेकिन कल हम दांतों के डॉक्टर से मिलेंगे और उन्हें तुम्हारे दांत दिखा देंगे, ओके? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, दांत के डॉक्टर बहुत जालिम होते हैं। अरे उसको खाली दांत दिखाने जाओ तो दांत खींच लेते हैं। देखो मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ और कभी जाऊंगा भी नहीं। दरअसल दांत के डॉक्टर से मुझे बहुत डर लगता है मेहता साहब। क्या जेठालाल बच्चों की तरह बात करते हो, फालतू का डर है, कुछ नहीं होता है, हमें दिखाना बहुत जरूरी है तुम्हारे दांत। अरे आपको पता नहीं है, मेरा एक दोस्त दांत के डॉक्टर के पास गया था, वो डॉक्टर ने उसका दांत इस तरह खींच के निकाला कि दांत के साथ उसके मगज की नस भी खींच गई, वो अभी पागल खाने में घूम रहा है। जेठालाल उसके पागलपन की विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी डॉक्टर हाथी जो दवाई भेजे वो लेके आप आराम से सो जाओ, ओके? चल निकलता हूँ, ओके गुड नाइट, बाय भाभी। आप तब तक ये तेल लगा लीजिए ना। ये दोनों ठीक रहेगी। गोली गोली बेटा। हाँ बोलो। गोली कहाँ है? क्या काम था? जेठालाल का फोन आया था, चंपक चाचा के दांत में दर्द है, इसलिए गोली के हाथ से दवा भिजवानी थी। गोली पढ़ाई कर रहा है, तुम्हें पता है ना उसके एग्जाम चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं दवा देने गया कोमल तो कल सुबह हो जाएगी। समझ गई, मुझे दो मैं देकर आती हूँ। हाँ सही बात है। हाँ एक बात याद रखना। हाँ। ये रात को ही लेनी है, ठीक है? अच्छा ये लो। हाँ कोमल। हाँ। अगर दया भाभी ने खाने में कुछ अच्छी आइटम बनाई हो ना तो लेके आना ना प्लीज। हंस प्लीज। अरे दया। हाँ। वो गोली होगा तो उससे दवाई लेके दरवाजे से ही उसको भगा देना। हाँ। अरे आइए 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 कुमल भाभी आइए। अरे आप यहाँ क्यों आए, मुझे कहा होता तो मैं आ जाती। अरे कोई बात नहीं, चाचा जी वो सो रहे, दांत में दर्द है ना इसके लिए। अच्छा पर आप इस तरह से क्यों बात कर रहे, आपके भी दांतों में दर्द है क्या? नहीं नहीं, वो बापूजी को कितना दर्द हो रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा वो चाचा जी को दवाई देनी थी ना तो बताना था। हाँ तो मुझे दे दो, मैं ले लूंगा। मैं दे दूंगा। अच्छा और चाचा जी सो गए हैं ना, प्लीज उनको उठा के पहले दवाई दे देंगे। अरे कोमल भाभी चाय कॉफी पी कर दो जाइए। अरे नहीं नहीं थैंक यू सो मच, ओके चेटा भाई। अरे हाँ ये लीजिए। बाय। दया जल्दी से पानी ला। हाँ। हाथी भाई की गोलियां कुछ असर करे तो अच्छा है। लीजिए। अब सो जाइए। इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद। सुनिए मुझे और सुंदर को जब नींद नहीं आती थी ना तो माँ लोरी सुनाती थी, फटाक से नींद आ जाती थी। लोरी सुनाऊं? अच्छा बाबा सुनाती हूँ, याद तो करने दीजिए। वो
अरे टप्पू के पापा, टप्पू के पापा सो गए क्या? अरे देखा लोरी का असर, मैंने लोरी गाई भी नहीं और ये सो गए। कल रात को मेरी लोरी से नींद आ गई थी ना। जा जा वे। लोरी से नहीं, दवाई है उसकी वजह से नींद आ गई। अच्छा अच्छा, नाश्ता तो कीजिए। हाँ। क्या है ये? चकली। अक्कल है तेरे में दया, मेरा दांत दुख रहा है, है? नरम नरम पाव देना चाहिए चाय के साथ, तू चकली दे रही है नाश्ते में। अगर ये चकली मैं ना खाई तो मेरे मुंह में खून की नदियां बहेगी। मतलब अभी भी दर्द है? हाँ, अभी भी दर्द है। अरे भाई तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। अरे कितनी बार बताऊं, दांत के डॉक्टर से मुझे डर लगता है। क्यों, डॉक्टर से डर लग रहा है? हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? उसमें डरने क्या बापू जी, डॉक्टर डॉक्टर होता है, इंस्पेक्टर थोड़ी। ओ मैं देखता हूँ शाम तक अगर दर्द नहीं गया तो मैं दुकान से आते आते डॉक्टर के पास होता आऊंगा। अरे शाम को क्यों, अभी डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे अभी दुकान जाना जरूरी है, अभी IPL के मैच शुरू होने वाले हैं ना, तो एक टीवी कंपनी का सेल्स ऑफिसर अच्छी अच्छी स्कीम समझाने के लिए दुकान पे आ रहा है। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। नहीं पापा, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। टप्पू ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अरे नाश्ता नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, तेरी एग्जाम है, फिर पेपर लिखने की ताकत कहाँ से आएगी। इधर इधर इधर, ऐसा वो प्रायश्चित बातचीत नहीं हो तो ठीक है होते, ले नाश्ता कर ले। नहीं पापा। ले बेटा। टप्पू सॉरी पापा। ठीक बाबूजी, मैं दुकान जाता हूँ। हाँ चल, मुझे भी रास्ते में देरा सर छोड़ देना। हाँ चलिए बाबूजी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। सॉरी पापा। अरे ठीक है बेटा, चलो टप्पू बेटे नाश्ता कर लो, चलो चलो चलो। हाँ ये लो। मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात चुप रहने में कभी कभी समझदारी होती है। अरे डॉक्टर आती, मिसेज आती, आज सुबह सुबह पूजा। हाँ क्या बात है, आज कुछ खास बात है? वो क्या है मेहता साहब, फ्री हेल्थ चेकअप तो हो गया, अब पेशेंट के लिए ऊपर वाले से कुछ। हाँ बात सही, आपके पेशेंट भी बड़े इम्पेशेंट है, बहुत जल्दी भाग जाते हैं। सही बात है। अरे जेठा भाई। अरे क्या हाल है जनाब के, कैसा है? बस मजे में हूँ। जेठालाल, डॉक्टर कुटकुटिया का फोन आया था, आपके दांतों के बारे में बात हुई। उनको कैसे पता चला मेरे दांत के बारे में? अरे कैसी बात करते हो तुम, वो तो तुम्हारे दांतों की तारीफ करते थकते नहीं। उनके पास जो मरीज आते हैं ना, वो तो तुम्हारा ही एग्जांपल देते हैं कि दांत हो तो जेठालाल जैसे, वरना ना हो। अच्छा चाचा जी, अभी आपके दांत का दर्द कैसा है? मुझे कब दर्द हुआ? अरे कल रात को दवाई तो भिजवाई थी आपको। ए, कौन सी दवाई? बाबू जी लेट हो रहे हैं, निकले। एक मिनट भाई, ये कौन सी दवाई की बात कर रहे हैं? अरे चाचा जी, अरे तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर दवाई की नहीं बात करेगा तो किसकी करेगा है? ऐसे ही कुछ। हाँ चलिए आप चलिए। सुनिए टप्पू के पापा, माँ का फोन था, कह रही थी कि दांत के डॉक्टर को जरूर मिल लेना। ठीक है भाई, मिल लेंगे, अभी दुकान जाना जरूरी है भाई। आइए बाबूजी। अरे ओ व्यापारी जेठालाल, क्या हमेशा दुकान दुकान करते रहते हो? या पंचा तुमको क्या इतना भाई, तू शांत रहना भाई। हाँ जेठालाल, अगर एक दिन दुकान लेट से चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे चाचा जी को डॉक्टर के पास लेके जाओ। या भाई मुझे क्यों लेकर जाना है, है? दर्द तो जेठिया के दांत में। क्या क्या? ओ हो 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 हो, जेठालाल आपके दांतों में दर्द, वाह क्या बात, मजा आ गया। मतलब ये हुआ कैसे?
अरे बोलो बोलो, चुप क्यों हो? क्या मौनम सर्वस्य। अच्छा अच्छा, दया भाभी क्या आप बता सकती है कि इनके लोखंडी दांतों में जंग कैसे लग गया? भीड़े भाई, हुआ यूं कि ये दांत से सुपारी को अखरोट समझ कर तोड़ने गया, उसमें दांत ही हिल गया। हो गई शांति, पड़ गई कलेजे में ठंडक, अभी टीवी में भी बता दे मेरा दांत में दर्द है। क्या आप भी ऐसा थोड़ी ना टीवी पर बताते हैं? नॉनसेंस। बापूजी, चल चल भाई चल। नमस्ते बापूजी। दस बजे का बोला था, अभी तक वो सेल्स ऑफिसर आया नहीं है। अरे हाँ सेठ जी, वो ऑफिसर का फोन आया था, वो आज नहीं आने वाला है। ये अभी बता रहे आप मुझे नटू काका? भूल गया। क्या भूल गया नटू काका? वैसे तो मुझे 5 मिनट देर हो जाती है तो 50 फोन कर देते। कहाँ पहुँचे, घर से निकले कि नहीं, और कितनी देर, और आज फोन ही नहीं किया। सेठ जी, मैं जब आपको फोन करता हूँ तो आप मुझ पर चिढ़ते हैं कि क्यों बार बार फोन करते हो, इसलिए मैंने फोन नहीं किया। नटू काका, आज मेरे दांत में दर्द है, मैं खास दुकान ऑफिसर को मिलने के लिए आया हूँ। आपने फोन किया होता तो मैं दुकान आता नहीं ना। सेठ जी, दांत में दर्द है, आइसक्रीम खा लीजिए, ठंडक हो जाएगी। नटू काका, आप सिर्फ अपना काम करेंगे ना तो उससे मुझे और ज्यादा ठंडक हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, केम छे? आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। केम छे? केम छो माई? मजा मा। नटू काका, ठंडा लेकर आया ना सायरा बानू जी के लिए। अरे सायरा बानू नहीं, मेरा नाम मेहर बानू है, मेहर बानू। सॉरी। और ठंडा वंडा नहीं चाहिए? तू कुछ गरम मंगाओ, समोसा, कचोरी, चाय, बिस्किट। अरे मुझे ठंडा गरम कुछ नहीं चाहिए, तुझे खाना है तू ही खा ले। ठीक है, मैं तो समोसा खाऊंगा। सेठ जी, आप क्या खाएंगे? नटू काका, शांत एक मिनट। बोलिए बोलिए, कैसे आना हुआ आंटी? अरे मैंने फ्रिज बुक किया था, वो अभी तक इसकी डिलीवरी क्यों नहीं मिली? टुका का? क्या? भूल गया, आज शाम को चौकस पहुंच जाएगा बस। और मेरा एक काम कर देना, वो जो कुल्फी जमाने की डिब्बी होती है ना, वो भी मुझे भेज देना। नहीं, वो तो हम लोग नहीं रखते हैं आंटी। बेफिक्र रहिए माई, वो भी मैं फ्रिज के साथ आपको शाम को पहुँचा दूंगा बस। केतलो सज्जू चाहिए नच्चो? हाँ चाहिए, आपको लेकर जाओ। अरे तू पण सु मजाक करे छे। और जब फ्रिज की डिलीवरी हो जाएगी ना, मैं तभी सब पेमेंट दे दूंगी। अरे पेमेंट की मुझे कोई चिंता नहीं है, आप हमारा पुराना कस्टमर है। अरे केतलो सज्जू चे? हाँ हाँ, देखा, शाम को पक्का डिलीवरी कर देना। हाँ हाँ, चल आओ जे नानका। हाँ देखो, भूलना नहीं, जल्दी भेज देना। हाँ भेजना, भेज देंगे। सोचो छे, सोचो छे करके गाल सुझा दिया मेरा। नटू काका भाई, आज से हो उनका भेज देना फ्रिज। और नटू काका, यह दर्द बहुत बढ़ गया है, मैं घर जाता हूँ। हाँ ठीक है, आप दांत संभालिए, मैं दुकान संभालता हूँ। उफ, मेरा दोस्त जेठालाल, मुझे लगता था जेठालाल की जिंदगी में सिर्फ 4 ही दर्द है, चंपक चाचा, टप्पू, दया भाभी और नटू काका। लेकिन इन दिनों एक नए दर्द से परेशान है, दांत के दर्द से, और उसमें भी डर ये कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है। असल में बचपन में हमारे बच्चों में कुछ डर होते हैं जो जवानी तक साथ चलते हैं। अगर बचपन में वो डर भगा दिया जाए तो आदमी बड़ा होकर इन छोटी मोटी चीजों से डरे नहीं, ये फोबिया पैदा ना हो। आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे किन्हीं छोटी छोटी चीजों से डरते हैं तो उन्हें डराइए मत और ज्यादा, उनका डर भगाने की कोशिश कीजिए, उनका साथ दीजिए, ताकि वो एक बेहतर वयस्क बन सकें, एक बेहतर देश हमें दे सकें, और मिलकर ठहाके लगा सकें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।